दोस्तों, ज्यादा चीखने, चिल्लाने और रोने वाली महिलाएं कैसी होती हैं? अगर आप इस बात को जान लेंगे तो शायद आप रात में ना सो पाए, हो सकता है आप सोचने पर मजबूर हो जाएं, ऐसी औरत होती है। अजीब दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार स्त्री बहुत ही नाजुक गुड़िया के समान मानी जाती है। ऐसे में चाणक्य कहते हैं कि बात बात पर चिल्लाने और रोने वाली महिलाएं किसी से कम नहीं होती। चाणक्य कहते हैं, चिल्लाने वाली महिलाएं अक्सर यहां पर मात दे जाती हैं। चिल्लाने और रोने वाली महिलाओं का चरित्र होता है अजीब। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसी महिलाओं से कई लोग बचना ही नहीं चाहती, बल्कि इनके बारे में कई अपशब्द भी कह जाती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर आपके घर में भी कोई ऐसी महिला है जो बात बात पर चिल्लाती और रोती है तो यह जानकारी जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया एक लाइक तो बनता है, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर वन, चाणक्य कहते हैं, महिलाओं के अंदर सहन शक्ति पुरुषों से कई गुना ज्यादा होती है। ऐसे में जब कोई स्त्री बात बात पर रोने लग जाती है तो उसकी आपको कदर करनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं, ऐसी महिला दोबारा नहीं मिलेगी, ऐसी स्त्रियां सच्चे विचारों वाली मानी जाती है। दोस्तों नंबर दो, चाणक्य के अनुसार जो स्त्रियां बात बात पर रोती हैं, चिल्लाती है, तो वह अपने प्रेमी से कभी दूर नहीं होना चाहती। ऐसी स्त्रियां परिवार के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इनका दिल कोमल होने के साथ ही हर किसी की भावनाओं की कदर भी करती हैं। ऐसी स्त्रियों को कभी खोना नहीं चाहिए। गलती ना होने पर भी जिस स्त्री को रोना आ जाए उसमें ममता फूट फूट कर भरी होती है, जो आपके लिए अच्छी है। दोस्तों नंबर तीन, आचार्य चाणक्य कहते हैं, महिलाओं के रोने बाद चिल्लाने से कई तरह की घातक बीमारी खत्म हो जाती है और रोने से मन हल्का भी हो जाता है। चाणक्य के मुताबिक रोने से तनाव आदि भी खत्म हो जाता है। दोस्तों नंबर चार, बात बात पर रोने वाली महिलाएं हर किसी के भाग्य में नहीं होती। इनका हृदय नाजुक गुड़िया के समान होता है। रोने वाली महिलाएं किसी का भी दिल नहीं तोड़ती, फिर चाहे अपना दिल ही तोड़ना क्यों पड़ जाए, लेकिन दूसरों की भावनाओं की कदर करती हैं। ज्यादा रोने वाली महिलाएं खुद भूखी रह जाती हैं, लेकिन दूसरों का पेट भरने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती। ज्यादा रोने वाली महिलाएं हर तरह से घातक नहीं होती। अगर इनके दिल में झांक कर देखा जाए तो बहुत गम भरा होता है और आपको इनकी कदर करनी चाहिए। ऐसे में इनका मान सम्मान आपको बढ़ाना चाहिए, उनका दिल कभी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसी महिला का दिल तोड़ना भी पाप के समान माना जाता है। दोस्तों नंबर पांच, दोस्तों लेकिन क्या आप जानते हैं, आचार्य चाणक्य यह भी कहते हैं कि ज्यादा रोने और चिल्लाने वाली महिलाएं अपने चाहने वालों को, अपने दिल के करीब रहने वालों की बहुत फिक्र करती हैं, उनकी बहुत देखभाल करती हैं, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करती। वो नहीं चाहती कि कभी उनके परिवार वालों को दुख पहुंचे, उनको नुकसान हो। इसलिए दोस्तों ऐसी स्त्रियों को हमेशा खुश रखना चाहिए। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस घर में महिलाएं खुश रहती हैं, सुखी रहती, तो उस घर में लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। इसलिए स्त्रियों का हमेशा सम्मान करें, उनको प्यार दें। दोस्तों अगर जानकारी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है, इसीलिए एक लाइक तो जरूर करें।